हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रूपा मेरी माँ की रेसिपी से। और आज मैं बनाने वाली हूं दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक और स्वादिष्ट सहजन पत्ते की साग। तो ये आज मैं साग बनाऊंगी और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। इसे चावल के साथ खाइए, बच्चे लोगों को खिलाइए, बच्चे लोगों को बहुत फ़ायदे करेंगे ये। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, हमने सहजन के पत्ते ले लिए हैं। तो इसे हम इस तरह से तोड़ लेंगे। ये देखिए, अगर आपके बड़े पत्ते हैं तो उसको पत्ता तोड़िएगा, अगर खिंचा पत्ता है तो उसको डंटी सहित तोड़िएगा, और बड़ा पत्ता का डंटी नहीं तोड़िएगा दोस्तों, क्योंकि उसे सीजने में बहुत टाइम लगता है। तो ये देखिए, इस तरह से हम सारा पत्ता निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हमने सारा पत्ता निकाल लिया है, साथ में हम इसे धो के रखे हैं छोटा छोटा काट करके। फिर साथ में हम स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे। हमने दो प्याज लिए हैं, इसमें प्याज थोड़ा ज़्यादा पड़ता है ताकि अच्छे लगे खाने में। और ये देखिए, सिर्फ दो लाल मिर्च लिया हमने फ़ौरन के लिए, बस इतनी सामग्री चाहिए हमें। तो ये देखिए, हमने कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है, और वो भी हमने थोड़ा सा तेल दिया है क्योंकि साग है ना, अब थोड़ा सा बन के थोड़ा कम हो जाता है। तो उसमें हमने भी मिर्चा का फ़ौरन दिया, साथ में हम प्याज डाल दिए हैं, और प्याज को हम लाल करके भूनेंगे। तो ये देखिए, हमने नमक डाले हैं, थोड़ा सा ही नमक दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि साग देखने में ज़्यादा रहता है लेकिन जब बनता है तो बहुत कम हो जाता है, तो इसलिए नमक थोड़ा कम ही दीजिएगा। तो ये देखिए, प्याज हमारा लाल हो चुका है। अब इसमें हम साग डाल देंगे, सहजन के पत्ते डाल देंगे, और इसे भूनेंगे अच्छा से कम आँच में। तो इसे भूनने के लिए थोड़ा सा हम पानी दे देते हैं। तो ये देखिए, हमने सिर्फ एक चम्मच पानी दिया है ताकि अच्छा से ये अच्छा से सीज जाए, मैश हो जाए। तो इसे हम ढक दे रहे हैं 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए, हमने लो फ्लेम पूरा कर दिया है, पूरा कम आँच में बना रही हूँ। तो ये देखिए, पूरा अच्छा से मेरा ये बन चुका है। ये तो पूरा मैश नहीं होता है, ये हल्का खड़ा खड़ा ही रहता है पत्ता। तो गैस हमने बंद कर दिया है, इसे अब हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, निकल चुका है ये। थोड़ा मेरा अभी कैमरा क्वालिटी थोड़ा ख़राब हो चुका है, थोड़ा पानी लग गया है दोस्तों, इसीलिए साग काला दिख रहा है, लेकिन ये काला साग नहीं है, हरा है। देखने में ख़राब लग रहा है, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो हमारा साग बन के तैयार हो गया दोस्तों। तो चलिए, आज मैं टिप्स में बताती हूँ सहजन के पत्ते के बारे में। सहजन के पत्ते में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है जो शरीर के हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें आयरन भी अधिक मात्रा में होता है। महिलाओं और बच्चों में इसका सेवन जरूर करना चाहिए। इसे आप दाल, काढ़ा, साग या फिर सांभर बनाकर के खा सकते हैं। इसमें जिंक भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो पुरुषों को कमजोरी दूर करने में बहुत ही अचूक दवा का काम करता है दोस्तों। सहजन का पौधा बहुत ही सेहत और गुणों से भरे हुए हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। हाई ब्लड प्रेशर मरीजों को आप इसे काढ़ा बनाकर पिलाइए तो बहुत फ़ायदा करेगा। और हाँ दोस्तों, ये मोटापा भी कम करता है इसे का सेवन करने से। और अगर आपको सर दर्द हमेशा रहता है तो इसके पत्तों का साग या फिर दाल बना के खाइए, तो आपकी जो ये सर दर्द की बीमारी है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो देखा दोस्तों आपने, ये कितना गुणकारी है ये पौधा। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा टिप्स पसंद आ रहा है या फिर मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे टिप्स दिखा सकूँ, रेसिपी दिखा सकूँ। बाय।